खराब है पूरा जादवपुर 8B, फिर साउथ सिटी मॉल, मतलब चारों तरफ एक गोलगप्पा नहीं है समझो, मतलब छठ पूजा के कारण पापड़ी वहाँ पे ना ये मिल रहा था, पापड़ी चाट नहीं सॉरी क्या नहीं नहीं पापड़ी चाट नहीं, वो क्या बोलता है भेलपूरी, हाँ नहीं खाएंगे भेलपूरी, नहीं खाएंगे भेलपूरी मिल रहा है पर गोल एक गोलगप्पा नहीं मिल रहा है, एक गोलगप्पा वाला नहीं बैठा, एक भी नहीं। बहुत लाइटिंग चला नेहा चाय बनाएगी, गेस्ट आया है तो स्नेहा को चाय बनाने के लिए बोला है। स्नेहा एक्साइटेड जी, चल चाय बना, चाय बनाओगी तुम? यहाँ पे पूरा मसाला चाय बना रहे, मसाला चाय, तेज पत्ता, इलायची, अदरक और चाय पत्ता दिए है बूंदी, और अभी यही वाला चाय पत्ता दे रही है तो वो अभी बना रही है, और क्या दिखाएंगे चाय बनाना तो यही बात है, शेयर किए थोड़ा सा। जा रही है चाय बना के लेके, तो जा दे दो। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमैक व्यू। तो आज है नेक्स्ट डे इवनिंग और मैं हूँ कोलकाता में, और ये है जादवपुर नहीं 8B मार्केट, और यहाँ पे हम आ गए हैं खाना खाने, और यहाँ पे फिश फ्राई ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है फिश फ्राई ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ मामा जी है घर पे तो उनके लिए लेके जाएंगे स्नेहा के लिए, और स्नेहा अपना घूम रही है अपना दोस्त के साथ, वो चली गई है साउथ सिटी मॉल, ठीक है घूम रही है, हम और बापी यहाँ पे अभी आए हैं तो रात के लिए रोटी ले लेंगे और सब्जी भी ले लेंगे घर के लिए, तो मम्मी हम लोग वही डिनर कर लेंगे, तो अभी फिश फ्राई लेने के लिए आए हैं। है बाउची, तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं फिश फ्राई, बहुत कुछ ऑप्शन है, बहुत कुछ खा सकते हैं, तो बापी यहीं से बिल कर रहे हैं, लेंगे अभी। अरे वाह, यहाँ पे यहाँ से हम लोग लिए थे ना एक बार केक, सुगर एंड स्पाइसी, चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुगर एंड प्राइस में, चलो तो यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, तो टाइम लगेगा 10 मिनट, तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये है गाइस सुगर एंड प्राइस, तो चलो अंदर घुसते हैं। आए ओ चिकन स्प्रिंग रोल, चिकन सैंडविच, चिकन कटलेट, चिकन बर्गर, सुगर एंड स्पाइस स्पेशल, चिकन चिकन ब्रेड रोल, ভালো হবে ভালো রকম লাগে না, তাই করে দিতে হবে, দেখুন একটা দাও দিন দিন, আর यहां पे है पेस्ट्री सारा, তুমি কত করবে না, आप दो ये दियो दे, अरे मैंगो टैंगो ये वाला हम खाए बहुत अच्छा है, अरे ये ले ले दियो, क्या गरम करो, हां गरम क्या ले ले, बोलिए ये ले ले, आप अब हम नहीं खा पाएंगे कुछ, फिर रात में कुछ नहीं खा पाएंगे, अभी तो फिश कटलेट का ऑर्डर किया है। हम लोग यहाँ पे आए हैं ना घूमने के लिए थोड़ा सा, हम और बापी, तो पापा बोले ना कि ठीक है मेरा तबीयत खराब है लेकिन तुम लोग आए हो और यहाँ मतलब हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और जाओ तुम लोग थोड़ा सा घूम के आओ क्योंकि घूमने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुम लोग अगर नहीं घूमोगे और यहाँ पे बैठ के उदास से बैठे कैसे अच्छा, तो स्नेहा इसलिए अपना दोस्त के साथ घूमने चले गए, उसका बचपन का दोस्त है, मैंने नीचे में ही रहता है फ्लैट नीचे, हिंदी पांचों भाषा बोल सकते हैं तो नीचे ही रहते हैं वो, तो इसीलिए वहाँ पे उसके साथ चली गई वो घूमने के लिए, वो सुबह शाम वही उसके साथ ही घूम रही है, और हम आज निकले हैं सही में, तो पापा बोलेंगे तुम क्यों बैठे हुए हो हमको अच्छा नहीं लग रहा, जाओ जाओ घूम के आओ जाओ, ठीक है सामने सामने जाते हैं घूम के आ जाते हैं। मेरे हाथ में आ गए सुगर एंड प्राइस का चिकन ब्रेड रोल, तो यही खाएंगे, तो हम और बापी यहाँ पे चिकन ब्रेड रोल का थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, ठीक है ले, तो इतना पानी प्यास लगा, इतना छोटा छोटा बोतल, एक बोतल मैंने खत्म भी कर दी, यहाँ पे नहीं फेंक सकते, यहाँ
अच्छा तो और एक पापी के हाथ में है देखिए, तो वही हुआ। और देखते हैं फिश कटलेट हुआ है नहीं अभी तक, तो वो पैकिंग करके ले जाएंगे, घर में जाके सब मिलके खाएंगे। हो गया है, हो गया। बापी गए हैं थोड़ा दवाई लेने और हम यहाँ पे थोड़ा सा रोटी ले रहे हैं। वाह, इनका मूछे तो बहुत अच्छे हैं भाई। ये अंकल का मूछे बहुत बड़ा बड़ा। अरे बाप रे, प्यासा का लगेगा तो हमें छोटी सा ले लिया है बॉटल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट सा। तो अभी हम क्या करेंगे ना, फिश फ्राई और जो है रोटी जो है वो ले के उसके बाद पहले हम लोग घर जाएंगे, तो घर में रख के उसके बाद देखते हैं निकलेंगे या नहीं। हाँ निकलेंगे। हम लोगों का घर मतलब फ्लैट है, तो ये बालकनी सामने जो देख रहा है ये हम लोग का था। और हम लोग रिक्शा से आए तो बापी अभी रोटी और जो फिश फ्राई है तो वो ले जा रहा है, घर में पहुँचा रहा है और हम नीचे वेट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे वेट कर रहे हैं। और मेरे पापा जो है यही वाला पार्लर में आ जाता है कभी कभी, सैलून में सॉरी, तो कुछ करके चल जाता है अपना। तो देखिए मेरा नाइटी भी थोड़ा सा अब भीग गया था, तो दिए है, तो आ रहे हैं बापी अभी नीचे। तो मैं घर के सामने वेट कर रही हूँ, ठीक है, और बापी अभी आ रहा है और हम लोग पैदल ही चल जाएंगे साउथ सिटी मॉल, क्योंकि एकदम नज़दीक ये हम लोगों का घर है, पीछे देख ही रहे हैं। और इधर है रास्ता पीछे से, एकदम आगे जाके लेफ्ट लेंगे और बस सामने ही साउथ सिटी मॉल है, एकदम घर के सामने। बापी आ रहा है पीछे, तो कोई बात नहीं है, वो एक फ्रेंड से मिल गया था तो उसी से बात कर रहा था। तो देखो हम लगभग पहुंच गए हैं साउथ सिटी मॉल, पैदल चलते चलते आ गए हैं। हम इधर से गली ढूंढ रहे हैं, गली मिलेगा तो घुस जाएंगे। तो चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ लेना पता है यहाँ पे मोमो बहुत अच्छा बनाते हैं, नहीं खाएंगे नहीं, पेट पूरा भरा होगा। चाय पीजिए वहाँ पर, चलो। हाँ चाय पीजिए। तो चलो गाइस हम लोग साउथ सिटी मॉल के तरफ जाते हैं। और है ना, स्नेहा जब छोटी थी मतलब जब हुई थी उस समय ये मॉल हुआ, हाँ, और जब जिस दिन ओपनिंग हुआ था उस दिन भी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे, क्योंकि घर के सामने यार हमको बहुत अच्छा लगता है शुरू से यहाँ पर, असली यहाँ पे आके ना बहुत खेलती थी साउथ सिटी मॉल में आके। तो चलो चल, तो ये बचपन से स्नेहा यहाँ पर आ जाती है। अरे स्नेहा बोलते बोलते स्नेहा मिल गया, हमको नहीं देखा, देखिए अपना दोस्त लोगों के साथ फोटो खींच रही है, देखे हाँ कितना अच्छा सजाया है, वाह। हाँ 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 हा, मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करते रहो। हाँ क्यों मेरे लिए कुछ लेती हो, नहीं जाओ जाके कुछ खा लो, जाओ दीदू ने पैसा दिया, जाओ जाके खा लो, एंजॉय करो, जाओ एंजॉय करो, अपना दोस्त को ले जाके एंजॉय करो, खाओ कुछ। स्नेहा की फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड है, ठीक है। स्नेहा की शाय हो रहा है यहाँ, स्नेहा की दीदू मेरी सास भी बहुत शाय, ऐसे बात बहुत करते लेकिन कैमरा में आना नहीं चाहते जल्दी से। तो चलो अरे তোদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, আমার রিল ফিল গুলো একটু বানিয়ে দিচ্ছি সেই আছে, আমি তোদেরকে আমার সাথে তো নিয়ে যাচ্ছি, চল যাবি, চল চল। ফিশ ফ্রাই নিয়েছি ঘরে জন্য, দিয়ে আসলাম চিকেন ফিশ ফ্রাই নিয়ে হ্যাঁ ঘর মে দেখে আয়ে হ্যাঁ। তো ইধর বাপি, আরে দেখো কিতনা ভিড় হো রহা হ্যায়, স্টারবাকস পিছে, স্টারবাকস আছে, হ্যাঁ স্টারবাকস তো হোগা ইস পরে नहीं। यहाँ ये साउथ सिटी मॉल है मेरी स्नेहा के लिए, ये मंदिर है, मंदिर से कम नहीं, क्योंकि घर के पास है, एकदम पैदल आ सकते हैं हम लोग। और हम लोग मतलब स्नेहा जब हुई नहीं उस समय से हम आ रहे हैं ऐसा, मतलब बहुत जिस दिन ये ओपनिंग हुआ है उस दिन ही हम लोग आए। आ चलो गाइस अंदर चलते हैं।
ফটো তুলি? কি সুন্দর লাগছে, সাজিয়েছে তো দারুন, বলো ববি। দিওয়ালি, দিওয়ালির জন্য খুব সুন্দর সাজিয়েছে। স্টারবাকস ওখানে যাচ্ছি, मेरे पीछे ये नन्नू मुन्नू है, तो चलो। सिया को पता नहीं था कि मम्मी भी आ रही है बेचारी, हालांकि चलो हम मेरे साथ भी थोड़ा घूम लो, मैं फंस गई ना। तो घूमते हैं, बहुत अच्छा सजाया लेकिन, है ना। और ऊपर चलो, मोबाइल छोड़ो, कुछ बोलो तो। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एकदम क्या अच्छा लग रहा है, दो दिन क्या बाद, अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद अपना जाएगा मैं ना, हम लोग का ये डेस्टिनेशन हम लोग का अपना डेस्टिनेशन है ना, यहाँ नहीं आने से अच्छा नहीं लगता है। साउथ सिटी मॉल हम लोग मंदिर जैसा। चली गई गेम खेलने के लिए, ओ क्या क्या करेगी मुझे नहीं पता, वो अपना सैरी लोगों के साथ है, दोस्त लोगों के साथ है। तो चलो तुम आके भैंग चाचे। हाँ, ये फोटो खींचने के लिए एकदम अच्छा जगह है, जगह स्नेहा बचपन से जब से वो नर्सरी में पढ़ते हैं वे जगह कभी भी मिस नहीं करती है, ये जगह प्ले ग्राउंड में, बाप रे बाप, यहाँ रोज आते थे हम लोग, रोज रोज। पर अभी अपना दोस्त लोगों के साथ घूम रही है, कंसंट्रेट करके खेलना है, बहुत मस्ती करता है, लेकिन ये जगह मेरे लिए बहुत इंजॉयमेंट का है। वॉशरूम पे इधर आए हैं, थोड़ा सा हम जो खाए थे ना, तो थोड़ा सा, हाँ अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा मूड धोएंगे इसलिए, और यहाँ थोड़ा सा शांत है, इतना लाउड है ना सब कुछ कि क्या बताएं हम, कितना शांत है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत है लेकिन शांत है। इंतजार था, आ गया स्पेंसर में। और बहुत एंजॉय किए गाइस, बहुत एंजॉय किए, इतना अच्छा हम लोग गेम खेले, है ना वफी, हम लोग बहुत एंजॉय किए, इतना अच्छा हम लोग गेम खेले कि क्या बताएं। गप्पा खाएंगे हम लोग उधर साउथ सिटी मॉल से, उधर रास्ता क्रॉस कर, इतना भीड़, इतना रास्ता में गाड़ी, मतलब इतना भीड़ कि क्या बोले,
तो हम लोगों को ना गोलगप्पा खाना है और एक भी मतलब ऐसा कभी नहीं होता लेकिन आज एक भी गोलगप्पा नहीं है और हम लोग पैदल चलते चलते हालत खराब हो गया कि हम लोग गोलगप्पा खाना है इसलिए हम लोग पैदल चल रहे हैं। कहाँ हम लोग वहाँ पर इस साइड में हम लोग कभी नहीं है, उधर से सरस्वती मॉल से एकदम डायरेक्ट इधर फिर आ रहे हैं। बोला एक ग्राउंड है, ग्राउंड की तरफ है गोलगप्पा है, चलो आज गोलगप्पा खा के जाएंगे अगर नसीब में रहा तो। हम लोग ना मतलब इतना दूर तक हम लोग चल रहे थे, चल ही रहे पता है, हम कभी नहीं आए लेकिन कितना दूर से देखिए हम लोग आ रहे हैं और मतलब सिर्फ गोलगप्पा के लिए इतना चल रहे हैं। बोलो सही में गाइस, हम कोलकाता में रहेंगे और इतना चलेंगे ना मतलब 7 दिन में दुबला हो जाएंगे, 7 दिन में दुबला हो जाएंगे इतना चलेंगे तो सही में। तो छठ पूजा में घुगनी डिम सिद्ध हो रहा, फुचका नहीं बैठ रहा है, छठ पूजा है ना, ओ छठ पूजा के कारण पूरा हाँ हाँ बांगालीरा बसे से सही। छठ यहाँ पे ये जो ग्राउंड है ना यहाँ पे बैठता है लेकिन छठ पूजा के कारण नहीं बैठा है। देखिए खराब है पूरा जादवपुर 8B फिर साउथ सिटी मॉल, मतलब चारों तरफ एक गोलगप्पा नहीं है समझो, मतलब छठ पूजा के कारण। पापड़ी वहाँ पे ना ये मिल रहा था, पापड़ी चाट नहीं सॉरी क्या नहीं नहीं पापड़ी चाट नहीं वो क्या बोलता है भेलपूरी, हाँ नहीं खाएंगे भेलपूरी, नहीं खाएंगे भेलपूरी मिल रहा है पर गोल एक गोलगप्पा नहीं मिल रहा है, एक गोलगप्पा वाला नहीं बैठा है, एक भी नहीं मिल जाएगा। रोल पनीर रोल केक मतलब जितना सोडा वगैरह सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक्स मोमोज वैराइटीज मोमोज सब कुछ, लेकिन गोलगप्पा विश्वास कीजिएगा इस गोलगप्पा नहीं। आप लोग सोचे कि बाप रे कोलकाता में गोलगप्पा, ये बात हम भी बोल रहे हैं सही में, हम खुद ही आश्चर्य हो गए। तो मैं क्या क्या ब्लॉक हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके अपडेट दे रही हूँ ठीक है। तो अभी फिलहाल देखते हैं, उसके बाद थोड़ा बैठेंगे उसके बाद घर चले जाएंगे। ना दूर हम लोग पैदल आए पर सक्सेस नहीं हुआ, फिर से वो रास्ता हम लोग क्रॉस करेंगे। चलो लिमका छे लिमका कोंटा माने लिमका लिमका ही थक गए हैं गाइस, हम थोड़ा सा लिमका पीते हैं उसके बाद प्यास बुझाते हैं। तो थोड़ा सा प्यास बुझा रहे हैं, चलते चलते हालत खराब पीएगी। ये काफी है लिमका मेरा बहुत फेवरेट है। थक गए ना बापी, बापी अब सुबह से ही बहुत चल रहा है कैसे नहीं थकिएगा, फिर कल आपको ले जाना पड़ेगा, फिर बापी कल जाएगा, कल फिर हॉस्पिटल जाएगा पापा को लेके, तो यही बात है। कल के शायद ब्लॉग हम नहीं बनाएंगे इसीलिए अब मन अच्छा नहीं लगा वो सब तो होता है ना, तो हम बाहर नहीं आना चाह रहे थे तो पापा बोले नहीं तुम लोग आजकल ज़माने के बच्चा जाओ तुम लोग घूमो थोड़ा सा, मतलब घर ही में बैठे हुए जाओ थोड़ा सा घूमो तो हमको अच्छा लगेगा, हम नहीं जा पा रहे तो तुम जाओ, तो इसीलिए आए पापा इतना रिक्वेस्ट किया तो इसीलिए आए बाहर। हम लोग जितना मम्मी पापा के लिए सोचते हैं कि वो लोग अच्छे रहे तो वो लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी अच्छे रहें, तो वो लोग भी चाहते हैं कि जितना बार हम लोग आते हैं तो जिस तरह से घूमें तो इस बार भी तुम लोग जाओ प्लीज़, तुम लोग घर में बैठे मत रहो तो पापा के दोस्त आए थोड़ा सा बात होती है तो उसके बाद फिर आ गए हम लोग। तो चलो रास्ता पार करते हैं, चलिए ना चलो अभी तो रुके हुए हैं, चल चल चलेगी उधर क्या क्या खाएगी पापड़ी चाट बोल रहे थे, नहीं कुछ नहीं वहाँ बैठने के लिए बोल रहा था। हम लोग कितना अली गली में जा रहे हैं थोड़ा सा गोलगप्पा के लिए लेकिन नहीं मिल रहा, कॉस्मेटिक्स इतना अच्छा अच्छा है नहीं मिला, ये वाला देख के सोचे कि गोलगप्पा नहीं है ना, गोलगप्पा नहीं है गोलगप्पा
फिर से घूम फिर के यहीं पे आ गए हैं गोला के पास। छोड़ो, ये पापड़ी चाट बैठा हुआ है, देख रहे हैं गाइस, पापड़ी चाट है ये भैया, ये पापड़ी चाट है। हाँ खाइएगा, हाँ दीजिए। तो मैंने ही मिला गोलगप्पा तो क्या करे, पापड़ी चाट ही खाते हैं। खाने के लिए आया है, देखिए इतने सारे जो खड़े हैं, ये लास्ट बैच है तो बोला खत्म, तो चलो नसीब में ही नहीं है, कोई बात नहीं। सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते हो गया, चलते चलते तो थोड़ा देर क्या करेंगे, ये मॉल में ही थोड़ा सा बैठते हैं गाइस, वापिस जाके बैठते, हम भी बैठते हैं। बहुत चले ना, अब जाने के समय हम लोग अब रिक्शा से जा रहे हैं और ठंडा ठंडा हवा खाते खाते जा रहे हैं, तो बहुत आराम लग रहा है तो बहुत आराम लग रहा है। और क्या, थोड़ा सा मोबाइल कांप रहा है मेरा, तो हाथ कांप रहा है। गाइस घर आ गए हैं, हाँ यहाँ पे है, आ गई है घर में, वो अपना दीदी के लिए ये नेल पेंट लेके आई है। ये क्या सासु जी मॉल से ली? मॉल से ली है, बाहर हम लोगों ने मम्मी कितना सस्ता था, हाँ पर मॉल में ली है ये, मॉल में 350 में लिया, 350। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अपनी स्नेहा अपना दादू के लिए दीदून के लिए लिया है, शायद मेरे लिए कुछ गिफ्ट ले लाया है, पता नहीं क्यों हम उसको मना करते तो वो अपना मतलब पैसा जमा के कुछ ले लिया, तो अपना दादी के लिए लेके आया है नेल पेंट, और मेरे लिए पता नहीं क्या लेके आया है, वो बाद में दिखाते हैं। तो चलो गाइस, हाँ पानी नहीं डाले कहाँ, ओह हाँ थोड़ा सा एसी ऑन कर देने से सुविधा होता, तो फिर यही बात है। तो चलो गाइस हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी हम ड्रेस उस छोड़ेंगे। तो चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल, लव यू टू ऑल, टेक केयर।